आखिर वो कौन सा देश है जिन्होंने अपनी आबादी का 81% लोगों को वैक्सीनेट करा चुकी है और बनने जा रहा है दुनिया का कंप्लीट मास्क फ्री नेशन, तो उस देश का नाम है इजराइल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जो कि अपने 81% आबादी को वैक्सीनेट करा चुकी है और यहाँ की 51% लोगों की अगर बात करें तो वो दोनों वैक्सीन ले चुकी है। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा उन लोगों को मास्क लगाने की छूट की घोषणा है जो कि वैक्सीन के दोनों खुराक लगा चुके हैं। और जो बाइडन ने इसको क्या बताया? तो जो बाइडन ने इसको एक ऐतिहासिक पहल बताया। अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए इजराइल ने खुद को पूरी तरह से मास्क फ्री करने की घोषणा कर दी है। हालांकि ये अगले सप्ताह से लागू होगी। 15 जून के बाद इजराइल विश्व का पहला ऐसा देश बन जाएगा जहाँ पर कि किसी को भी मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री यूली ने इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि इजराइल अपने यहाँ करीब 81% आबादी को कोरोना वैक्सीन की खुराक दे चुका है। इसके बाद पहले उसने इससे संबंधित सभी प्रतिबंधों को हटाया, अब मास्क फ्री बनाने की भी घोषणा कर दी। हालांकि इंडोर सार्वजनिक स्थान, इंडोर का मतलब क्या हो गया? इंडोर मतलब हो गया जैसे मान के चलिए कोई एक कमरा है, उस कमरे में अगर आप बहुत सारे लोग वहां पर मीटिंग कर रहे हैं तो वहां पर फिर मास्क पहनना जरूरी है। तो वही कहा है कि इंडोर सार्वजनिक स्थानों पर भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि देश में कोरोना की स्थिति स्थिर है और आने वाले दिनों में इससे संबंधित सभी नियमों को खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इजराइल उन देशों में से शामिल है जहां पर कि 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग को भी वैक्सीन देने की काम शुरू कर दी गई है। इजराइल ने जनवरी 2021 से अब तक कोरोना संक्रमण में काफी कमी आई है। जनवरी में यहां पर हर रोज कोरोना संक्रमण के 10,000 सामने आ रहे थे, यानी कि 10,000 मामले डेली सामने आ रहे थे, वहीं अब इसकी संख्या 10 से नीचे हो गई है। विशेषज्ञों की राय में कोरोना पर काबू पाने में इजराइल ने एक मिसाल कायम की है। आबादी की बात करें तो ये कई देशों के मुकाबले में काफ़ी कम है। यहाँ की आबादी करीब 1 करोड़ की है। कोरोना संक्रमण से हुई मौत की बात करें तो ये 6,418 है, यानी कि 6,418 मौतें हुई है। लेकिन यहाँ पर कोरोना की रोकथाम को टेस्टिंग और क्वारंटाइन को तेज किया गया, इसमें लोगों ने भी सरकार का भरपूर सहयोग किया। मौजूद समय में यहां पर जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 200 से भी कम है। इजराइल ने ये मुकाम हासिल करने में छोटे छोटे लक्ष्य को निर्धारित किया था। जैसे इजराइल ने लोगों की जांच के लिए टेस्टिंग सेंटर बनाए। ऐसा भी देखा गया कि लोगों ने खुद अपनी जांच करवाने की प्राथमिकता दी। संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई। जैसे कि बहुत सारे देश में ये देखा गया कि अगर जाँच केंद्र तो खोल दिया गया है लेकिन वहाँ पर आदमी लोग जाँच कराने के लिए नहीं जाते थे। खासकर ये जो स्थिति देखी गई हमारे भारत में, क्योंकि वो डरते थे कहीं कोरोना हमको कोरोना का मरीज घोषित ना करते। और इजराइल की एक खास बात यह थी कि जो भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता था तो वो खुद से चलकर क्वारंटाइन सेंटर में जाता था। और सरकार के बीच में अहम भूमिका थी, सरकार की, वहाँ की सरकार की एक तरह से बोले तो सराहना की जाए कि वहाँ पर हर एक प्रकार की जो बोला जाता है कि उसको सुविधा मुहैया कराया गया। वैक्सीनेट की बात करें तो इजराइल ने दिसंबर 2020 में इसकी शुरुआत की थी। इजराइल में सबसे तेज़ी से लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इसके लिए फाइजर की वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है। इजराइल की 50% आबादी ने वैक्सीन के दोनों खुराक ले ली है।